So hello everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my YouTube channel. And in today's session we will discuss a poem between going and staying the day wavers, which was written by Octavio Paz. ठीक है, which was written by Octavio Paz. So ये poem आज हम discuss करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि होता है ना कि लाइफ में कभी कभार हम अपने मिस्टेक्स को लेके, जो बैगन मिस्टेक्स हैं उनको लेके, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके, या फिर जितने भी हमारे डिजायर्स हैं, ठीक है, ड्रीम्स हैं, अगर हम उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो इन सब चीज़ों के वजह से हम काफ़ी बार डिप्रेस फील करते हैं, खुद को फेल्योर फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, होता है. ठीक है, एंड ये सब जो चीज़ें हैं ये सब भी मतलब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इनका तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है. जैसे कि मैंने आज एक बाइक देखा तो मुझे एक बाइक लाने का मन हुआ, फिर कल देखा मेरे दोस्त जो है वो कार से जा रहे हैं, मुझे एक कार लाने का मन हुआ, तो अगेन वो एक ओवरलोडेड हो गया. तो ये जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका कभी ख़त्म नहीं होता है. और ये भी सही है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ड्रीम्स नहीं होंगे, तो फिर वैल्यू ही क्या है, isn't it? बट पॉइंट जो है ये सब चीज़ों को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी डिजायर्स को लेके बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, राइट? तो पॉइंट देखते हैं फिर. बिटवीन फर्स्ट स्टैंजा में, बिटवीन गोइंग एंड स्टेइंग द डे वेवर्स इन लव विथ इट्स ओन ट्रांसपेरेंसी द सर्कुलर आफ्टरनून इच नाउ ए बे फॉर द वर्ल्ड इन स्टीलनेस रॉक. बिटवीन गोइंग एंड स्टेइंग द डे वेवर्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है. देखो, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी बात की गई है, ठीक है, हमारे जो डिजायर्स हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हमारे जो भी मतलब डिजायर्स होते हैं, विशेस होते हैं कि ये हमें चाहिए, उन सब की बात की गई है यहाँ पर. ठीक है, तो बिटवीन गोइंग एंड स्टेइंग द डे वेवर्स, बिटवीन गोइंग एंड स्टेइंग मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ आती है, कुछ रहती है, कुछ चली जाती है. ठीक है, द डे वेवर्स इन लव विथ इट्स ओन ट्रांसपेरेंसी, इन लव विथ इट्स ओन ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, जब हम ये ड्रीम करते रहते हैं तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट होती है हमारी ड्रीम में. ठीक है, मतलब इन लव विथ इट्स ओन ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं वो क्लियर है, वो ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन जो हम सोच रहे हैं हमारी सोच में, तो वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, बट इन रियलिटी ऑल आर फेक, बहुत ही रफ है. ठीक है, या फिर कोई डिजायर्स है तो हमारी जो ड्रीम्स है वहीं पर तो बहुत ही क्लियर होती है कि नहीं मैं ये करूँगी वो करूँगी, बहुत क्लियर होती है, बहुत अच्छा लगता है, इज़न्ट इट? बट रियलिटी में क्या है, छोड़ो, मतलब बहुत रफ होती है. तो उसी की बात की गई है कि इन लव विथ इट्स ओन ट्रांसपेरेंसी, मतलब हमारे जो विजुअलाइजेशंस में वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत क्लियर होती है. बिटवीन गोइंग एंड स्टेइंग द डे वेवर्स, वेवर्स का मतलब टू बिकम वीकर. ठीक है, तो पॉट ये चीज़ को इमेजिन करके, कि अपनी प्रॉब्लम्स को इमेजिन करके एंड अपनी विजुअलाइजेशन को इमेजिन करके, एंड जब वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जब खुद की एक आइडेंटिटी अभी तक बना नहीं पाए, दैट मीन्स वो सक्सेस अभी तक अचीव नहीं किए हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वो वीक फील कर रहे हैं, दैट मीन्स हेल्पलेस फील कर रहे हैं, राइट? द सर्कुलर आफ्टरनून इज नाउ ए बे, द सर्कुलर आफ्टरनून इज नाउ ए बे, बे का मतलब क्या, बे का मतलब कि जैसे कि कुछ हम पाना चाहते हैं बट अभी तक वो हमें मिला नहीं है, दैट इज़ बे. ठीक है, कुछ हम पाना चाहते हैं बट अभी तक वो मिला नहीं है, तो उसको हम कहेंगे बे. ठीक है, तो द सर्कुलर आफ्टरनून इज नाउ ए बे, जैसे सर्कुलर आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद लाइन चली गई, छोड़ो कोई बात नहीं, द सर्कुलर आफ्टरनून इज नाउ ए बे मतलब आफ्टरनून के बाद एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या होती है, मतलब एक पीस होती है एनवायरनमेंट में, साइलेंट होती है, काल्मनेस होती है, स्टिलनेस होती है, इजन इट? तो आफ्टरनून के बाद एनवायरनमेंट में जो एक पीस होती है, जो एक मतलब स्टिलनेस होती है, ठीक है, बट पोएट की लाइफ में अभी तक वो काल्मनेस, वो पीस अभी तक आया नहीं है. ठीक है, दैट इज स्टिल ए बे फॉर हिम. फिर द वर्ल्ड इन स्टिलनेस रॉक, वर्ल्ड को वो कंपेयर कर रहे हैं रॉक के साथ. ठीक है, रॉक क्या सिंबलाइज करती है, स्टिलनेस. ठीक है, और वर्ल्ड भी जो है एकदम स्टील है, काल्म है, पीस है, बट पोएट की लाइफ में अभी तक वो आया नहीं है. ठीक है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड को रॉक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड भी जो स्टील होती है, पीस होती है, वहीं पर
आफ्टरनून मतलब इवनिंग टाइम में एक कालमनेस होती है, वो पोएट की लाइफ में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। दैट मीन स्टिल ही स्ट्रगलिंग फॉर आइडेंटिटी, उनकी लाइफ में कुछ आइडेंटिटी गेन करने के लिए, कुछ सक्सेस अचीव करने के लिए स्टिल वो फाइट कर रहे हैं, स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इज विजिबल एंड ऑल एल्यूसिव, ऑल इज नियर एंड कांट बी टच्ड, ठीक है। ऑल इज विजिबल, जाहिर सी बात है कि सब दिखाई दे रहा है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच, बट हम उसको कैच नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। ऑल इज नियर, सब हमारे पास तो है, बट इट्स डिफिकल्ट टू टच, ठीक है। मेरे जो सॉल्यूशंस हैं, जो डिजायर्स हैं, सबको हम देख तो पाते हैं, जाते आते हम कार देख तो पाते हैं, बट हम उसको छू नहीं पाएंगे, हम उसको ला नहीं पाएंगे। हमारे जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, हम जानते तो हैं कि सॉल्यूशंस यही है, बट हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो उसको बोला गया है कि ऑल इज विजिबल एंड ऑल एल्यूसिव, ऑल इज नियर एंड कांट बी टच्ड, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर बुक पेंसिल ग्लास रेस्ट इन द शेड ऑफ देयर नेम्स, ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि पेपर बुक पेंसिल ग्लास ये सब क्या है, ये उनके एक क्लियर आइडेंटिटी है और उनके नाम के वजह से ही ये जाने जाते हैं। तो पेपर बुक पेंसिल ग्लास ये जो अपने नामों के वजह से जाने जाते हैं, उनकी खुद की एक पहचान है, बट पॉट की लाइफ में अभी तक वो आया नहीं है, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। टाइम थ्रोबिंग इन माई टेम्पल्स रिपीट्स द सेम अनचेंजिंग सिलेबल ऑफ अ ब्लॉट, टाइम थ्रोबिंग इन माई टेम्पल्स रिपीट्स। अब पोएट जो है ये सब तो इमेजिन कर रहे हैं, अब इमेजिन कहाँ करते हैं, दिमाग में करते हैं। तो टाइम थ्रोबिंग इन माई टेम्पल्स रिपीट्स, टेम्पल्स मतलब क्या, ये तो फोरहेड हुआ और ये पार्ट जो होती है जहाँ पर हमारी वेन गई होती है, जहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होती रहती है, दैट इज टेम्पल्स। तो टाइम थ्रोबिंग इन माई टेम्पल्स रिपीटेडली, जो टाइम है वो कंटिन्यूसली रिपीटेडली वो हमें वर्न कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, थ्रोप कर रही है कि टाइम जो है वो पास हो रही है, वो किसी के लिए रुकती नहीं है, ठीक है। वो रिपीटेडली पॉट को जो है वो वर्न कर रही है, बट उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या कि टाइम जो है वो किसी के लिए रुकती नहीं है, टाइम जो है वो तो कंटिन्यूसली जा रही है, बट पॉट की लाइफ में मतलब टाइम बहुत हो गया है, मतलब टाइम बहुत हो गया मतलब क्या, उनकी एज बहुत हो गई है, बट स्टिल उनकी एक आइडेंटिटी जो है वो बना नहीं पाए हैं, उनकी जो मतलब उनकी जो डिजायर्स है वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, मतलब वो अपनी लाइफ को एकदम मीनिंगलेस वैल्यूलेस जैसे फील कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम जो है वो बार बार उनको वॉर्न कर रही है। द लाइट टर्न्स द इनडिफरेंट वर्ल्ड इन टू ए घोस्टली थिएटर ऑफ रिफ्लेक्शंस, एंड ये स्टांजा में पोएट अपनी लाइफ को एक घोस्टली थिएटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। घोस्टली थिएटर के साथ मतलब क्या, कि घोस्टली थिएटर कैसा होता है, सेमी डार्कनेस, मतलब कुछ डार्कनेस कुछ लाइट, बट ज़्यादातर डार्कनेस होती है, राइट। तो वो खुद की लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं घोस्टली थिएटर को, मतलब उनकी लाइफ में भी जो है मतलब कुछ हैप्पी मोमेंट्स नहीं है, मतलब कुछ डार्कनेस है कुछ ब्राइटनेस है, बट ज़्यादातर डार्कनेस है उनके लाइफ में, दैट मीन्स ज़्यादातर बैड मेमोरीज है, सैड मोमेंट्स हैं उनके लाइफ में, घोस्टली थिएटर के साथ कंपेयर किए हैं। द लाइट टर्न्स द इनडिफरेंट वर्ल्ड इनटू ए घोस्टली थिएटर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई फाइंड माई सेल्फ इन द मिडिल ऑफ एन आई वॉचिंग माई सेल्फ इन इट्स ब्लैंक स्टेयर, एंड लास्ट में वो अपनी लाइफ को क्या एकदम एक ब्लैंक स्टेयर में पा रहे हैं। होता है ना, जब हमें भी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं दिखती है, कुछ हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो जब होता है, जब हम बहुत फेल्योर फील कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमें कुछ नज़र नहीं आती है, हम अपनी लाइफ को एकदम एम्प्टी है, वैल्यूलेस है जैसे फील करते हैं। तो सेम टू सेम पॉइंट भी वही फील कर रहे हैं कि आई फाइंड माई सेल्फ इन द मिडिल ऑफ एन आई, मतलब क्या करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, मतलब ना तो वो अपने डिजायर्स को छोड़ सकते हैं और ना उनको अचीव कर पा रहे हैं, ना तो प्रॉब्लम्स जो है उनको कभी छोड़ रही है, मतलब चारों तरफ उनकी प्रॉब्लम्स घेरी हुई है और ना वो उसके सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। वॉचिंग माई सेल्फ इन इट्स ब्लैंक स्टेयर, मतलब वो अपनी लाइफ को एक ब्लैंक स्टेयर में पा रहे हैं, मतलब उनको कुछ नज़र नहीं आ रही है, एकदम एम्प्टी है उनकी लाइफ, उनकी लाइफ मतलब कुछ नहीं हो रही है, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ही नहीं हो रही है, ठीक है। द मोमेंट सेटर्स मोशनलेस आई स्टे एंड गो आई एम पॉच, एंड लास्ट स्टांजा में वो क्या बोल रहे हैं कि द मोमेंट सेटर्स मोशनलेस, टाइम जो है टाइम वो गो, इट गोस इन इट्स ओन वे, इट वेट्स फॉर नॉन,
टाइम जो है वो चलती रहती है, वो किसी के लिए रुकती नहीं है, मोशनलेस। आई स्टे एंड गो, आई एम पॉज। बट लास्ट में पॉड जो है वो रियलाइज किए हैं कि ये जो भी मोमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो भी टाइम है, ये सब टेम्पररी पीरियड के लिए है, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए है, ठीक है। एंड थोड़ी मतलब रेस्ट लेके, एक टेम्पररी रेस्ट लेके ही स्टे फॉर अ व्हाइल एंड अगेन मूव ऑन, वो मूव ऑन किए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। बहुत ही ईजी सब पोएम है, आप खुद के साथ बहुत ईजीली रिलेट कर सकते हो, ठीक है। होता है हमारे लाइफ में भी, तो ये काफ़ी बार होता है कि हम अगर किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो हम बोलते हैं कि अरे मेरा तो जीना ही व्यर्थ है, ठीक है, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, फेल्योर फील करते हैं, ठीक है। तो पॉट भी सेम टू सेम वही फील कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में ये तो समझ में आ गया कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है प्रॉब्लम्स की, वो आती रहेंगी जाती रहेंगी, ठीक है। एंड पॉट जो है थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनकी सर्कुलर आफ्टरनून इज नाउ ए बे। सर्कुलर आफ्टरनून के बाद एनवायरमेंट में जैसे स्टिलनेस आती है, पीस आती है, बट उनकी लाइफ में वो पीस, वो शांति अभी तक आया नहीं है, वो कुछ अचीव नहीं किए हैं अभी तक, खुद की एक आइडेंटिटी बना नहीं पाए हैं अभी तक, ठीक है। एंड वर्ल्ड को एक रॉक के साथ कंपेयर किए हैं, वो रॉक जैसे स्टील होती है, ऐसे वर्ल्ड भी जो है वो परमानेंट है, स्टील है, बट उनकी लाइफ में स्टीलनेस अभी तक आया नहीं है, ठीक है। सेकेंड में बोल रहे हैं कि सब तो विजिबल है, सब तो नियर है, बट ना तो मैं उसको छू सकता हूँ, ना तो उसको मैं पा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वो कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, पेपर, बुक, पेंसिल, ग्लास, ये सब जो है उनकी आइडेंटिटी की वजह से जाने जाते हैं, बट वो अभी तक खुद की एक आइडेंटिटी बना नहीं पाए हैं, दैट मीन्स स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग फॉर इट। देन नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि टाइम की बात की गई है, कि टाइम बार बार उनको वॉर्न कर रही है, थ्रोबिंग इन इट्स टेम्पल्स, दैट टाइम जो है किसी के लिए रुकती नहीं है, ठीक है, बट उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, थैंक गॉड लाइन आ गया, ठीक है। तो टाइम थ्रोबिंग इन इट्स टेम्पल, तो टाइम जो है बार बार उनको वॉर्न कर रही है, बट उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वो अपनी लाइफ को एक घोस्टली थिएटर के साथ कंपेयर किया, घोस्टली थिएटर जैसे कि सेमी डार्कनेस होती है, कुछ लाइट होती है, कुछ डार्कनेस होती है, तो उनकी लाइफ में भी जो मतलब हैप्पी कुछ लाइट है, कुछ डार्कनेस है, मतलब कुछ हैप्पी मोमेंट्स है, कुछ सैड मोमेंट्स है, बट जो सैड मोमेंट्स हैं, जो सैड पीरियड्स हैं, वो ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो खुद को एक मतलब ब्लैंक स्टेयर में फील कर रहे हैं, मतलब कुछ नज़र नहीं है आ रही है उनको कि क्या करेंगे क्या नहीं, ठीक है, एक ब्लैंक स्टेयर में खुद को इमेजिन कर रहे हैं, बट लास्ट में उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, ये तो एक टेम्पररी है, मतलब टाइम जो है वो किसी के लिए रुकती नहीं है, वो तो चलती ही रहती है, तो ये टाइम भी जो है वो रुकेगा नहीं, ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा एक टेम्पररी रेस्ट लेके फिर वो मूव ऑन किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। तो ये जो थीम है, इसका जो थीम है दैट इज़ कि हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेके, या फिर अगर हम कहीं पर फेल हो जाते हैं उसको लेके, या फिर अगर हमारी बहुत मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं वो तो होती ही रहेगी, बट उन सब चीज़ों को अगर हम अचीव नहीं कर पाते हैं किसी टाइम, अगर हम फेल हो जाते हैं किसी टाइम, तो उन सब चीज़ों को लेके हमें डिप्रेस नहीं होना है, हमें जो हेल्पलेस फील नहीं करना है, फेलोर फील नहीं करना है, रादर उसको हमारी लाइफ के एक पार्ट समझ के हमें अगेन मूव ऑन करना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ द पोएम, बहुत ही ईजी पोएम है ना। सो आई होप मैंने समझाने की कोशिश तो की, बट आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं जानती, बट अगर अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी से ही इंस्पिरेशन मिलती है, थोड़ा मोटिवेट होती हूँ कि नहीं और एक वीडियो बनाना है, ठीक है, तो डू कमेंट, ठीक है। आप सब्सक्राइब करो ना करो उसकी मतलब नहीं है, वो तो दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट जो कमेंट्स आते हैं वो पढ़ के बहुत खुश लगता है एक्चुअली, तो ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। स्टिल अगर लगता है आपको हेल्पफुल, ठीक है, और मुझे भी थोड़ी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर अच्छा लगा देन डू ए लाइक, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब एंड शॉप। अगर समझ में आया तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर and thank you so much.